अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं जनरल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में। उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या सेकेंड ईयर स्टूडेंट को अगर मैं ले लूँ तो इसके लिए भी नहीं, सारा केमिस्ट्री का जो जब हम पढ़ते हैं और उसके सामने जब हमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का टर्म आता है तो हमें कंफ्यूज कर देता है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। तो पहले पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए, ऑक्सीडेशन मैंने लिखा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो भी हम इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देखिए, सबको मिला के अगर मैं ये कहूँ कि पॉजिटिव चार्ज बिल्ड अप अपॉन एनी स्पीशी इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो ये सब इसमें आ जाएंगे, बल्कि एक्सेप्शनल भी आ जाएंगे जो हमारे बुक में दिए गए नहीं दिए गए हैं। देखिए, ए हमारे पास एक स्पीशी है। अब ए के ऊपर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेना चाहूँ, पॉजिटिव चार्ज लेके आना चाहूँ, तो सिंपली उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन को अगर मैं रिमूव कर दूँ तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा एक तरीका है, अगर ए के ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आना चाहूँ तो दूसरा तरीका ये है कि मैं उसके अंदर क्या ऐड कर दूँ? ऑक्सीजन। अब ये क्या प्रॉब्लम है? ऑक्सीजन को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो इसका ए के पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या ताल्लुक है? देखें, हम अगर मैं ऑक्सीजन को ऐड करूँगा तो आप सब लोगों को पता है ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियडिक टेबल का। तो ये ए से जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, ए से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो जाहिर सी बात है ए के ऊपर कौन सा चार्ज, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाएगा ना ए से। ए कोई भी स्पीशी आप ले लें, कोई एलिमेंट ले लें, अगर ए से इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी ऑक्सीजन तो ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो आएगा, और ऑक्सीडेशन में हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को फुली चार्ज कंसीडर करते हैं। तो ए पे पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए मैं अगर ऑक्सीजन को ऐड करूंगा तो ए से वो अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी। तो ए के ऊपर कौन सा, अब इलेक्ट्रॉन को अगर वो अपनी तरफ खींचेगा तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज। अब तीसरा जो डेफिनेशन है, अगर मैं हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ ए से तो भी ए के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इसे क्या ताल्लुक, देखिए हाइड्रोजन जो है वो आप लोगों के पास कुछ खास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जितने भी कंपाउंड है तकरीबन हर कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन आप लोगों को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड के अंदर। तो हाइड्रोजन जो है उसके पास ये एबिलिटी है कि वो जब भी आपके पास बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उसकी कम है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को आपके ऊपर छोड़ने की कोशिश करेगा, यानी कोवेलेंट बॉन्ड भी अगर वो बनाएगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को आपके नजदीक लाने की कोशिश करेगा। कोशिश करेगा तो आपके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। जाहिर सी बात है अगर ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन क्रिएट कर रहा है, अगर मैं इस हाइड्रोजन को कहीं ना कहीं पेंग दो, ऐसे रिमूव कर दूं, तो ए के ऊपर कम से कम नेगेटिव चार्ज तो नहीं आएगा। तो ये तीनों डेफिनेशन जो है वो हम कह सकते हैं कि ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना है चाहे कुछ भी कर लें। अब ये नहीं है कि हर जगह अगर हम किसी के अंदर ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये भी नहीं है अगर हम किसी के ऊपर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो इसके ऊपर, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि अगर मैं लिखूं सोडियम, अब सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है ऊपर, अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को ऐड करूंगा तो ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है, 2.1 किसकी है? हाइड्रोजन की है। अब जो है आप लोगों के पास सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब ये एक्सेप्शन हो गया, हाइड्रोजन की एडिशन से तो हमें ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की एडिशन जो है वो हमें सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला रहा है। तो हाइड्रोजन की एडिशन यहाँ पर क्या हो गई? ए सोडियम के लिए ऑक्सीडेशन हो गई और ए के लिए मैंने रिडक्शन लिखा है। तो सिंपली ये समझ लें कि
जहां पर भी कोई भी स्पीशीज के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, चाहे वो किसकी वजह से भी हो, हाइड्रोजन की वजह से हो, जितने भी एलिमेंट किसी भी वजह से हो, किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर अपीयर हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन होगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं ऑक्सीजन को लेट सपोज फ्लोरीन के साथ ट्रीट करूँ, अब फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 4 है, ये आपके पास एक कंपाउंड बनाएगा जिसको मैं कहता हूँ ऑक्सीफ्लोराइड OF2। तो देखें यहां पर फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। अब ऑक्सीजन को जिसके अंदर हम ऐड करते थे उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, लेकिन यहां पर फ्लोरीन के अंदर जब हम ऐड कर रहे हैं तो फ्लोरीन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी डेफिनेशंस के अंदर प्रॉब्लम है, जहां पर हमने सिर्फ जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन तक बात महदूद रखी, हालांकि हमारा जो ऑक्सीडेशन है वो किसी वजह से भी हो, किसी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है या नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर घट रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। चाहे वो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, चाहे वो हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर ऐड हुआ तो सोडियम में पॉजिटिव चार्ज आया, चाहे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, चाहे ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, बस पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए जिसके अंदर हम ये कुछ भी कर रहे हैं। किसी भी स्पीशीज के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज घट रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। को हम हमारे बुक ने किस तरह डिफाइन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चले मान लेते हैं अगर बी जो है हमारे पास स्पीशीज है और वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो बी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। वो बंदा जिसने बी से इलेक्ट्रॉन खींचने थे, अब वो बंदा अगर कहीं से बी से लॉस हो गया तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जाहिर सी बात है कोई भी नहीं, तो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज घटना है उसके ऊपर, या फिर नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आना है बी के ऊपर, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। देखें जो चीज, जो एलिमेंट इस बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन को पुश कर दें, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइड्रोजन की कम है अभी मैंने बताया, तो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाना है जब हम इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, लेकिन हर दफा नहीं, मैंने अभी एक्सेप्शन बताया, नेगेटिव चार्ज। अब ये डेफिनेशन जो है वो रिडक्शन की मोस्ट एक्सेप्टेबल है। अगर किसी स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, चाहे वो हाइड्रोजन की एडिशन की वजह से हो, चाहे वो हाइड्रोजन की रिमूवल की वजह से हो, चाहे ऑक्सीजन की रिडक्शन रिमूवल या एडिशन या इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से। अब देखें फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने देखा कि मैं अगर ये देखें N2 3H2, अब यहां पर अगर आप देखें तो दोनों नाइट्रोजन पे कोई भी चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि नाइट्रोजन ने ट्रिपल बाण बनाया हुआ है दूसरे नाइट्रोजन के साथ, N2 मॉलिक्यूल है, तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यानी एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब जब हम इसको ट्रीट करेंगे और तो हमारे पास बन जाएगा NH3, यानी 2NH3, यानी दो एमोनिया मॉलिक्यूल बन गया। अब अगर एमोनिया मॉलिक्यूल को थोड़ा सा मैं ड्रा करने की कोशिश करूं तो यहां पर तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज नहीं था, यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितने पार्शियल, 3 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, जाहिर सी बात है नाइट्रोजन के ऊपर 3 पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर -3 चार्ज लिखूँ तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि पार्शियल चार्ज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के अंदर हम फुली चार्ज लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो -3 चार्ज है ये रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन पे था, नहीं था, जब उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गए और NH3 में कन्वर्ट हो गया तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तभी हम कहते हैं कि हाइड्रोजन की एडिशन जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो रिडक्शन लाती है। लेकिन अभी मैंने कहा अगर मैं सोडियम के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर दूं तो ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्राइड। अब मैं आपको बता दूं यहां पर हाइड्रोजन की एडिशन नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज लाई, यहां पर हाइड्रोजन की एडिशन सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज लाई, इसको हम सोडियम हाइड्राइड बोलते हैं, आयनिक हाइड्राइड है हाइड्रोजन का।
तो हाइड्रोजन की एडिशन जो है वो कहीं ना कहीं रिडक्शन क्रिएट कर रही है यहाँ पर, और वहां पर ऑक्सीडेशन क्रिएट कर रही है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। बस नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ रहा है या पॉजिटिव चार्ज जिसका घट रहा है, तो उस चीज़ की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो अभी मैंने ऑक्सीफ्लोराइड का एग्जाम्पल दिया। ऑक्सीफ्लोराइड में ऑक्सीजन की रिमूवल जो है, ऑक्सीजन की एडिशन जो है वो हमें रिडक्शन शो कर रही थी फ्लोरीन की। तो देखते हैं आगे, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आगे। देखें, अब देखें ये दो और एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। देखें, कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिंक के ऊपर जो हो हमारे पास न्यूट्रल है, दो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर। कॉपर की न्यूट्रल स्टेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं 2.2 है, इसकी 1.9 है अराउंड अबाउट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा हो गई, जाहिर सी बात है कॉपर की ज़्यादा हो गई। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन लेके जाएगा, जिंक से कॉपर लेके जाएगा। अब देखें, कॉपर जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, कॉपर +2 से कहाँ चला गया, न्यूट्रल में, यानी पॉजिटिव चार्ज उसका घटा, नेगेटिविटी की तरफ उसकी जो स्टेप है वो ज़्यादा हो गई। तो कॉपर डबल पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गया, इट मीन्स उसकी पॉजिटिव चार्ज घट गई। घट गई तो क्या हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ। जिंक के ऊपर यहाँ पर न्यूट्रल चार्ज था, न्यूट्रल से कौन से स्टेट पे आ गया, +2 पे आ गया, तो इसकी क्या हो गई, जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई। अब देखिए, कार्बन के अंदर मैं अगर ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हूँ, तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप लोग आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कार्बन का, तो कुछ यू स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड का। देखें, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ऑक्सीजन ने खींचे हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन ने खींचे हुए हैं, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। तो हमारे पास ये जो है कुछ ना कुछ एग्जाम्पल हैं जिसकी वजह से आप लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।